नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम बात करेंगे कि हमारे किसान भाई गेहूं की कटाई कैसे करें, किस मशीन से करें, जिस मशीन जो कि काटती भी है और बांटती भी है, दोनों साथ में इसका काम है। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ के जोगापुर में और हमारे साथ इस कंपनी के और मालिक मौजूद हैं जी भैया जी। तो भैया जी से बातचीत करेंगे कि इसका क्या सिस्टम है और ये काम कैसे करती है, डीजल पेट्रोल इसमें क्या कैसे लगता है। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं। भैया सर नमस्कार। नमस्कार भैया। तो भैया जी हमारे किसान बंधुओं को एक बार अपना एड्रेस दे दीजिए थोड़ा सा। मैं सुनना अनुज केसवानी है, बाकी मैं प्रतापगढ़ जोगापुर राजेश यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो गेहूँ काटने और बांधने वाली मशीन है इसकी खास बात क्या है। भैया इसमें सबसे बड़ी खासियत है, आज तक लोगों को सबसे दिक्कत होती है आदमी नहीं मिलते हैं जी। ठीक है, कटाई करने के लिए तो मशीन बहुत अवेलेबल है लेकिन काट कोई बांध नहीं पाती है जी। तो जब आदमी नहीं मिलते तो उसके लिए विशेष कंपनी की तरफ से एक मशीन आई है, इसको कहते हैं ये काट के बांधने की मशीन। ये फोर व्हील में होती है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दें। इस तरीके से देखिए इसमें जो है ये दोनों स्टैंड लगे हुए हैं ना भैया। जी भैया, ये आपका कटरा है और ये स्टड्स लगे हैं इसमें। इसका काम होता है काट के वो एक जगह इकट्ठा करता है, ये मशीन घूम के एक जगह इकट्ठा करके यहीं से आपकी गट्ठी बांध देती है जी। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से इसमें ये रस्सी लगी है और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये आप प्लास्टिक की रस्सी भी यूज कर सकते हैं और जूट की रस्सी भी इसमें यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपके पशुओं को भूसा वगैरह में। और जो है तो जैसे कि अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे इसमें इस तरीके से गजब के ये जो है ये भैया क्या है ब्लेड लगे हैं, फिंगर्स लगते हैं ब्लेड ये नीचे वाले जी भैया। ये जो अच्छे से ब्लेड लगे हैं इस तरीके से आपके गेहूं में जो है थोड़ी सी भी इतने बड़े से इतने बड़े नहीं होगी, मतलब मिनिमम साइज में काटेगी ये भैया। गेहूं आपका लगभग 2 इंची ऊपर से काट लेगा जी, जैसे कुल मिला के आदमी जैसे आदमी काटते हैं, इनफैक्ट आदमी इससे ऊपर से ही काटते हैं, इतना नीचे तक नहीं सकते जी। तो ये खूब अच्छी तरह से आपका गेहूं काटेगी और बांधेगी। तो इस सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो है डीजल प्रयोग होता है या फिर पेट्रोल। डीजल इंजन है जी, इसमें कंपनी ने 10 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगाया है। इसकी कुल खपत आपकी 1 लीटर की होती है 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटे में 1 लीटर जो है ये डीजल खाएगी। 1 लीटर में ये 1 लीटर में 1 घंटे डीजल खाती है। तो 1 लीटर डीजल जब खाएगी तो ये कितने जो है बीघे या कितने बीघे काट पाएगी भैया। 1 लीटर डीजल में ये आपका 1 एकड़ भी वो खेत काट के बांध देगी जी। 1 एकड़ मतलब अपने यहाँ 32 बीघे का होता है। तो कहने का मतलब 1 लीटर डीजल में ये 32 बीघा खेत आपका काट कर बांध देगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आइए हम दिखाते हैं इसका और सिस्टम क्या कैसे है। ये भैया से बात करेंगे, ये भाई ये इंजन के बारे में थोड़ा बताएं ये क्या है। भैया ये आपका ग्रिस कंपनी का 10 हॉर्स पावर का इंजन है। ठीक है, ये आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, आप लोग भी जानते हैं ब्रांडेड कंपनी है जी। बाकी ये सेल्फ स्टार्ट सिस्टम है, इसमें आपकी बैटरी लगी रहती है। ठीक है, तो आपको सेल्फ स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आप कभी रास्ते में होते हैं और आपकी बैटरी आपको धोखा दे जाती है, तो इसमें आपका किक स्टार्ट सिस्टम भी दिया गया है, आप रस्सी खींच के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब सुविधा आपको टूल किट में मिलेगी इसकी। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे किसान भाई इसकी इस मशीन से कटाई कर रहे हैं, बीच में बैटरी ख़राब हो जाने के कारण स्टार्ट नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तब इसमें ये जो है इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं भैया। भैया मोटर होती है ये स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने के लिए जैसे आप पहले भी देख चुके होंगे रिक्शे वगैरह स्टार्ट करने में रस्सी का प्रयोग करके खींच के स्टार्ट किया जाता है, उस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बैटरी का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको हम बताना चाहेंगे कि लाइट की भी इसमें पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। देखिए किस तरीके से अच्छी अच्छी लाइटें लगी हैं जिससे सामने आपको दिखता रहे और अच्छे तरीके से आप अपनी फसल को काट पाएँ। उसके बाद तो आपको ये दिखाना चाहेंगे ये भैया ये क्या है। ये भैया एक्सीलेटर है जी, ये इसका एक्सीलेटर है जी भैया। इससे आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मशीन की जी। बाकी ये आपका क्लच पैडल है इसका, दिखाइए। ठीक है भैया, आइए सर आइए। हाँ भैया, ये आपका बैक पैडल है, इसमें 2 बैक लगती हैं, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए। ठीक है भैया, साथ में ये आपका गियर सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें 4 फ्रंट और 1 रिवर्स गियर मिलता है जिसे आप बैक कर सकेंगे, जिससे आप पीछे भी कर सकते हैं, बाकी 4 फॉरवर्ड में आप स्पीड में आप रोड पे भगा सकते हैं इसमें।
बाकी ये आपका पीटीओ सिस्टम है जिससे आपका आगे का पूरा पीटीओ सिस्टम चलेगा। जी जी, तो बात करते हैं हम इसके, ये जो अभी टंकी है इसमें कितने लीटर, इसकी कैपेसिटी क्या है? ये 5 लीटर कैपेसिटी टंकी की, टंकी की कैपेसिटी 5 लीटर है। अब हम बात करेंगे जैसे हमारे किसान भाई इसको ख़रीदना चाहें तो इसकी प्राइस क्या है उन, और इसके साथ उन्हें और क्या सुविधा मिलेगी और क्या लाभ होगा? जी भैया, ये मशीन इस समय 5,10,000 की है, फुल्ली कंप्लीट, ठीक है। इसमें सुविधा भैया गवर्नमेंट ने अनुदान की सुविधा दी है, इसमें 2,40,000 गवर्नमेंट अनुदान मिलता है इस मशीन के साथ, सब्सिडी जिसे हम लोग कहते हैं। सब्सिडी का क्या प्रोसेस है, जैसे हमारे किसान भाई इसको खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद इसका प्राइस क्या, अभी आप बताएं? 5,10,000 भैया, जैसे इसकी प्राइस 5,10,000 रुपए है, खरीदने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है, तो उसका प्रोसेस हम जानना चाहेंगे भैया। सब्सिडी के लिए आपको टोकन जनरेट कराना पड़ता है जी, आपकी साइट पे या फिर आप हमसे कह सकते हैं, हम भी आपके लिए टोकन जनरेट करा देंगे, ठीक है। टोकन जनरेट कराने के बाद आपको फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें आधार कार्ड, खतौनी, इसकी बिलिंग और एक दो कागज़ और लगते हैं जैसे निवास प्रमाण पत्र, वो फाइल बनाने के बाद आप जमा कर देंगे, उसके सब्सिडी सीधे आपके खाते में आ जाएगी। तो ये जमा कहाँ पे होगी भैया? ये आपके कृषि भवन में जमा होगी। तो जैसे आपको अभी भैया से जानकारी मिली कि इसमें क्या क्या कागज लगते हैं भैया? भैया आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक और साथ में बिल और निवास प्रमाण पत्र, इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप जमा कर सकते हैं कृषि भवन में। तो वहाँ से आपको इसकी जो है सब्सिडी कितने मिलेगी भैया? 2,40,000 भैया, 2,40,000 रुपए आपको इसकी सब्सिडी मिलेगी और जो है ये मिल भी जाएगा। तो इसका जो है जैसे हमारे किसान भाई ले गए और कटाई कर रहे हैं और इस तरीके से इंजन वगैरह जब ख़राब हो जाए या फिर और कोई दिक्कत आ जाए तो उन्हें वारंटी इसके बारे में कोई जानकारी? भैया इसकी वारंटी आपको पूरे साल भर की मिलेगी, आपके इंजन में कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी समस्या आती है, ठीक है, तो कंपनी के इंजीनियर भी घूमते हैं मार्केट में, बाकी हमारे खुद के ट्रेंड 2 इंजीनियर्स हैं जो कि सीधे आपके यहाँ जाके मशीन सही करके आएंगे। जब भविष्य में आप इसे चला रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट, आपको यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा, जहाँ पर आप कटाई कर रहे हैं आप डायरेक्ट कॉल करिए, कॉल करने के बाद वहीं पर तुरंत इसके इंजीनियर्स आपके पास पहुंच जाएंगे, इसमें हुई जो मिस्टेक है उसे कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जो है ये पूर्ण रूप से सही हो जाएगी, उसके बाद फिर आप कटाई कर सकते हैं जी। है तो जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे इसके टायर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसके टायर की क्वालिटी क्या है, कैसे है भैया? इसका टायर 16/6 का लगता है जी, ठीक है भैया, बाकी ये ब्रांडेड टायर्स होते हैं जो कि कंपनी तरफ से प्रोवाइड होते हैं। और इसको ये आगे के टायर दिखा दें और देखिए पीछे का टायर है, इसकी क्या क्वालिटी है भैया और कैसे हैं? भैया ये भी ब्रांडेड टायर है, ये भी कंपनी तरफ से प्रोवाइड होते हैं जी। और इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर एक बैक बत्ती भी लगाई गई है और ये देखिए इस टाइप की कितने अच्छे आकर्षक बैक बत्ती है और इसके नंबर भी प्रोवाइड होते हैं भैया? किसके भैया? ये नंबर वगैरह प्रोवाइड होते हैं? नहीं भैया, ये तो मॉडल नेम है अच्छा, इसका ये मॉडल, बाकी नंबर प्रोवाइड होते हैं जो कि आगे लगे हैं वो भी अभी आपको नंबर प्रोवाइड होता है जी। आइए दिखाते हैं, इसका नंबर भी प्रोवाइड होता है नहीं दूसरी साइड है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इसका पूरा नंबर, पूरी कंप्लीट सब डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे जी भैया। और इसकी जो है सबसे अच्छी बात ये आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्टेटर खूब अच्छे तरीके से दिखे, इस तरीके से आप इसको चढ़ा बढ़ा भगा सकते हैं, बैक कर सकते हैं या फिर बाकी। भैया ये लोहा लाट गाड़ी है, ठीक है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लगभग हम इसका काम 6 साल से कर है और आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई इसमें जी। जैसे हमारे किसान अभी तक इसका प्रयोग कर रहे हैं, ले गए होंगे, तो उनके तरफ से क्या रिस्पांस आया है, एक बार रिस्पांस के बारे में बात करेंगे? भैया ये जिस भी इलाकों में गई है इसके कस्टमर खुद बने हैं, इनफैक्ट सिर्फ हमारे नहीं, जो हमारे कस्टमर भी ले गए हैं उनके पास भी लगातार सीजन भर कॉल आते हैं मशीन की जानकारी लेने के लिए। थैंक यू। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर एक बार अपना नंबर प्रोवाइड कर दीजिए हमारे किसानों के लिए, जिससे इन्हें कोई दिक्कत हो तो ये नंबर आपका लें और नंबर से जानकारी लें, उसके बाद मशीन खरीद पाएँ जी। भैया मेरा शुभ नाम भैया अनुज केसवानी है, बाकी मेरा मोबाइल नंबर 7376515859 है जी। एड्रेस देना चाहेंगे एक बार? जी भैया ये दुकान आपकी जोगापुर प्रतापगढ़ में सिचुएटेड है जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। जैसे हमारे किसान भाई कभी कभी डायरेक्टली कहीं और मंगाना चाहें तो वो मंगा सकते हैं? जी भैया जी, मंगाने की आप हमें कॉल कर सकते हैं जी, हम आपको सिस्टम आपको बस समझा देंगे, बाकी आप पेमेंट लगा के
मशीन आपके यहाँ डिलीवर करा देंगे। जैसे आप किसी अन्य राज्यों से भी बिलोंग करते हैं या फिर कोई कहीं से भी हैं और मशीन को मंगाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस स्क्रीन पर नंबर जो पर कॉल करके आप बातचीत करके इसे अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो खूब दबाकर शेयर करिए। थैंक यू।